आज की क्लास में हम लोग निम्नलिखित प्रतिशत मानों को जो है भिन्न में बदलने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि प्रतिशत मानों को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 814 सही 2/7%। इसको हम लिख सकते हैं 800 प्लस 14 सही 2/7। इसको 800% और इसको 14 सही 2/7%। 800 जो होता है इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि 800 को परसेंटेज हटाएंगे, 100 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8। 14 सही 2/7, इसको जब बदलेंगे तो इसका मान होता है 1/7। नहीं आता है तो याद कर लीजिए, 14 सही 2/7% का भिन्न में मान होता है 1/7। 8 + 1/7, इसको हम सीधे लिख सकते हैं 8 सही 1/7। अगर कहीं पर बीच में प्लस का चिन्ह है, पहले संख्या पूर्ण दी गई है फिर दिया गया है भिन्न, तो हम उसको लिख सकते हैं 8 सही 1/7। तो पहले का आंसर आ गया 8 सही 1/7। दूसरा क्वेश्चन है 712 सही 1/2%। तो इसको हम लिखेंगे 700% प्लस 12 सही 1/2%। 700% जो होता है इसका मान होगा 7, 12 सही 1/2 का मान होता है 1/8। अगर नहीं आता है तो आप इसको याद कर लीजिए। अब इसको 7 + 1/8 को लिख सकते हैं 7 सही 1/8। तो इसका आंसर आ गया 7 सही 1/8। तीसरा क्वेश्चन है 533 सही 1/3। इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे 500% प्लस 33 सही 1/3%। 500 को हम लिख सकते हैं 5, 33 सही 1/3 का मान होता है 1/3। अगर नहीं आता है तो याद कर लीजिए, 5 + 1/3 का इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 1/3। तो इस क्वेश्चन का मान आ गया 5 सही 1/3। चौथा क्वेश्चन है 1011 सही 1/9। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000% प्लस 11 सही 1/9%। 1000 को जब भिन्न में बदलेंगे तो इसका मान हो जाएगा 10, क्योंकि इसको 100 से भाग देंगे तो बचेगा 10। 11 से 1/9 का भिन्न में मान होता है 1/9। इसको हम लिख सकते हैं 10 + 1/9 को 10 सही 1/9। तो इसका आंसर आ गया 10 सही 1/9। तो अगर कहीं पर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, परसेंटेज में दी गई हैं संख्याएं और उनको भिन्न में बदलने को कहता है, तो हम इस तरीके का प्रयोग करके उन्हें आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।